पिछले 8 दिनों से सामने से झीलों के अंदर सिवरेज का पानी जा रहा है। 8 दिनों से मैं रोज़ देख रहा हूँ। आप चाहेंगे अभी आपको मैं ले जाकर मौका दिखाऊंगा, अभी भी वो पानी जा रहा होगा। पड़ोसियों से कह लूँगा सिवरेज का पानी खुलेआम झीलों के अंदर समाहित हो रहा है। पिछले में जा ही रहा, पिछले का ग्रीन कलर है पानी, पानी कभी ग्रीन होता है क्या? गंदा जलकुंभी, गंदगी से होती है जलकुंभी है। तो सिगरेट लाइन का जो पाइप है वो बहुत छोटा डाला जा रहा है। पूर्व में जो सिगरेट डाली गई उस समय हमने काफ़ी विरोध किया कि सिगरेट लाइन बिल्कुल गलत है, झीलों के अंदर से निकाली, चाहे घनघोर घाट पर हो, चाहे कुमारिया तालाब में हो, चाहे चांद पोल में हो। 4-4 इंच के 6-6 इंच के पाइप डाल करके उसमें सिवरेज चलेगी क्या? बॉम्बे में देखो सिवरेज बस निकल जाए उसमें से। एक आदमी प्रतिदिन 40 लीटर पानी तो नाली में बहाता होगा प्रतिदिन। बहुत छोटा आदमी, कोई इंजीनियर नहीं हूँ। झीलों में पानी आता पहाड़ों से, मिट्टी आएगी, पत्ते आएंगे, गंदगी कहाँ से? हमें 28 ऐसे स्पॉट मिले जहाँ से पानी, गंदा पानी या रिसाव, गंदे पानी का रिसाव झील में हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर मात्रा में तो कम हो सकता है, लेकिन उसके जो प्रभाव होता है, इकोलॉजिकल इफेक्ट और हेल्थ इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज ये इनकी जो बदहालत है वो ये बता रही है कि हमारा पानी कितना शुद्ध है, हमारे झील कितनी शुद्ध है, क्योंकि ये मलमूत्र सारा बहकर नदी में ही जाएगा। टोटली प्रदूषित हो चुका है और ये नदी जो आज की तारीख में आर्ड है वो आर्ड नदी नहीं होके एक तरह से गंदा नाला ही कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदय सागर में सबसे बड़ा दिक्कत तो है कि जब तक शहर के गंदे पानी का ट्रीटमेंट नहीं होगा, शहर के गंदे पानी को आप मैनेज नहीं करेंगे, तो आर्ड नदी के माध्यम से सारा का सारा उदय सागर में जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उदय सागर के अंदर जो गंदा पानी है वो जाना रुके। सारा का सारा जहर जो जा रहा है, कीचड़ जो जा रहा है, प्लास्टिक जो जा रहा है, फैक्ट्रियों की गंदगी जो जा रही है, वो कहाँ जा रही है? सिटी की गंदगी जो जा रही है कहाँ जा रही है? उदय सागर में। वृक्षारोपण दिवस ही इन्वायरमेंट दिवस है और यहाँ फसाकर पाल से रैली निकालने से वृक्षारोपण होता थोड़ी क्या? वो कागज लेके इतना भी चाय नाश्ता करके फ्री हो जाएंगे सब। ठीक है कि अभी भी अरे ये वेदांत का प्रोग्राम देखना, ये दिखावे काम करते हैं, 1 लाख खर्च करेंगे, 50 लाख लिखेंगे इनकम टैक्स बचाने के लिए। ये वेदांत हिंदुस्तान जिंक का है, विद्या भवन और उनका दोनों का साथ में। हिंदुस्तान जिंक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर और बहुत अच्छी इंडस्ट्री, उदयपुर इज़ नोन फॉर इट ऑल्सो। अब उन्होंने CSR के अंदर आयड के ऊपर सीवरेज प्रोजेक्ट बनाया। शहर में जितना वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसका एक पोर्शन लगभग 24 MLD उसका वेस्ट वाटर का उन्होंने एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया और उनका एग्रीमेंट सरकार के साथ ये कि जो वेस्ट वाटर ट्रीट होगा उस ट्रीटेड वाटर को अपने प्लांट के लिए ले जाएंगे और उसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन वो नदी में भी छोड़ेंगे। हिंदुस्तान जिंक की डाउनस्ट्रीम के अंदर फैक्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास में, उनको भी वाटर की प्रॉब्लम है। ये जो स्मेल्टर होता है एक्चुअली तो ये माइंस है, तो माइंस में तो इनके ज़्यादातर सीसा, जस्ता और थोड़ा सी चांदी, कुछ परसेंटेज चांदी निकलती है। तो जैसे इनका मेन एक तो जावर माइंस है, यहाँ से तो ये सारा मटेरियल निकलता है और निकलने के बाद में एक तो ये जिंक स्मेल्टर जो है आपका उदयपुर में देवारी से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद में देवारी के पास में जो बना हुआ ये प्लांट है, तो इसमें क्या है वो उसकी सारा अलग अलग होता है। उस प्रोसीजर में वो प्रोसेस जो होता है उस में पानी की काफ़ी ज़्यादा खपत होती है। उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, व्हाई नॉट टू ट्रीट दिस वाटर एंड टेक इट अवे टू द इंडस्ट्री। एक राय ये है कि वो इस जो वेस्ट वाटर है इसको अच्छी तरह से ट्रीट करके नदी में डाले और नदी में पानी बहे और वो पानी बह के जाके उदय सागर में मिले। इसका फ़ायदा ये होगा कि नदी का भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है बना रहेगा, वो उदय सागर से भी वो अपना जो पानी थोड़ा ले सकेंगे। कि आयड रिवर इज़ सो मच पोल्यूटेड, ग्राउंड वाटर इज़ सो मच पोल्यूटेड, वहाँ के ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर पोल्यूटेड एंड इसको क्लीन करने का सिर्फ तरीका है डाइल्यूशन। तो आप जो भी पानी साफ़ कर रहे हो इसको रिवर में डालो, वो वहाँ डाइल्यूट करेगा इस चीज़ को,
और धीरे 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 यहाँ का पानी बेटर होता जाएगा, लेक भी क्लीन हो जाएगा, जिसके लिए आज पब्लिक कह रही है कि बदबू मार रही है वो भी क्लीन होगी। लेकिन नो, उन्होंने उस टाइम में नहीं माना, गवर्नमेंट ने साइन भी कर लिया, वो अपना पानी सीधा वहाँ ले जाते हैं। पानी तो उदय सागर में जा ही रहा ना गंदा, आप यहाँ से देख लो ना, तो उदय सागर में नहीं जा रहा गंदा बने गया, तो फिर ट्रीटमेंट क्या कर रहा है? उसको जितना चाहिए पानी लेके साफ करके यूज़ कर रहा है। और हमारी रिवर का क्या होगा? पहली तो पेरिनियल से, पेरिनियल डजन मीन कि जैसे हिमालयन पेरिनियल रेंज है जो कि बराबर बहती हैं, ये ऐसी थी कि इसमें एक ट्रिकल रहता था पानी का, बराबर चलता रहता था, वो सब ख़त्म हो जाएगी। और इवन मानसी वगल जो बना है उसमें भी कुछ इनका कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें बनाने के कुछ पैसे से हिंदुस्तान जिंक ने दिए हैं। आज पूरी झीलें खाली हो चुकी है, ऊपर मानसी देवास योजना 11 किलोमीटर लंबी सुरंग बना के यहाँ पानी लाने का प्रयास था। तो देखिए, जो हिंदुस्तान जिंक जो मानसी वगल प्रोजेक्ट है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और हिंदुस्तान जिंक का एक एग्रीमेंट हुआ, तो वहाँ से जो डेली पानी लिया जाता है वो 36 MLD है, और 36 MLD में से लगभग 24 MLD पानी तो उदयपुर शहर के लिए और 11 MLD पानी हिंदुस्तान जिंक को जा रहा है। सरकार को चाहिए था कुछ पैसा जिससे वो जो बांध बना सके, और हिंदुस्तान जिंक का इंटरेस्ट था कि अगर ये बांध बन जाता तो हमको कुछ पानी मिल जाएगा। जिंक वालों ने देवास से डायरेक्ट पाइपलाइन डाल रखी उसके खुद के यूज़ के लिए, उनके पास पैसा, सरकार इतना पैसा खर्च कर सकती है। तो क्योंकि ये जब आवश्यकता बढ़ रही है तो नेचुरल हमको जो हिंदुस्तान जिंक के लिए जो पानी की कमी की पूर्ति जो हमारे को करनी थी वो दूसरे सोर्सेज से करने की जरूरत थी, क्यों ये जो काम हम कर रहे हैं तो वो एक्चुअली इतना वो तो हमारे जनसंख्या और हमारी आवश्यकताओं के लिए ही पूरा नहीं पड़ रहा है। उनको कौन रोक सकता है? आपको देंगे टाइम से नल कि एक घंटा देना तो कौन घंटा कर सकते हैं? आप किसी को नहीं कह सकते हो, नहीं किसी को पूछ सकते हो। तो फिर ये जब हिंदुस्तान जिनको हम इतना पानी दे रहे हैं तो खुश तो हो रहे हैं कि हमने इतना बड़ा डैम बना लिया, गोसुंडा डैम इतना बड़ा बन लिया, मानसी वगल इतना बना लिया, लेकिन एक्चुअली अब उसको प्रोपोर्शनेटली तो हमारे काम तो कम आ रहा है, वो उसमें ज़्यादा जा रहा है, तो वो कमी पूर्ति कैसे होगी? हम देखने में वो हाथी के दांत देखने के अलग खाने के अलग वाली बात हो गई है। अब आप जाकर के उदय सागर देखोगे कि सो पोल्यूटेड, आज के अखबार में था कि लोग एजिटेट कर रहे हैं कि इतनी सड़ रही है कि उसमें से बदबू आ रही है। उदय सागर पानी आई रुको तो आसान पतो नालियां में पानी आई इंडस्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एरिया उदयपुर से पानी बदबू मार रहा है। हैप्पी मनीष मेरे पानी काम नहीं ले सकते, बच्चे भी मर जाती है, मर गए। पूरा गांव के पानी लोग पीते थे लेकिन अब इस पानी को नहीं पी रहा है। ये पानी पूरा ये एसिड की वजह से, फैक्ट्रियों का केमिकल की वजह से ये पूरा ख़राब हो गया है। तो अब कोई नहीं, अभी हमारे यहाँ गांव में सिंचाई भी तक सही नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है पानी केमिकल से। कितनी मेवा से मर गई है, और न ये सब लोग गाय भैंसे भी पानी नहीं पीती इसका, मर गई गांड भी पीते, सारी गाय भैंसे पानी पीती नहीं है। हम लोग कब गाय भैंसे तब कब पशु पानी पियेंगे, हम लोग कहाँ से पानी पियेंगे? ये भी हमें जानकारी में आया कि बहुत सारी इंडस्ट्री अपने वेस्ट को ट्यूबवेल बना के जमीन में डालती है, तो ये एक तरह से भूजल के स्रोत में जहर का इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि अगर वो आप अपना गंदा पानी ट्यूबवेल बना के जमीन में डाल रहे हैं तो नीचे जाके पूरे भूजल को ख़राब कर देगा। इन्होंने अंदर ही वो ट्यूबवेल बंद कर दिया, वो केमिकल का पानी उसी में डाला, जो कुओं में भी वही पानी आ रहा है। पानी की बहुत दिक्कत रहेगी हमारे, अभी टैंकर चल रहे फिर तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, बोरवेल करवाते हैं तो भी 600 फीट नीचे जाता तो भी एक बूंद पानी नहीं आता उसका।
और यहाँ कितने बोरवेल फेल हो गए। हिंदुस्तान जिंक के ये है कि वो सारा पानी उस फैक्ट्री में यूज करते हैं, वो लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं और बेचारे गांव वाले जो नीचे जो जितने भी गांव है, बल्लगागुड़ा है, साकुरदा है, इधर मलम नगर तहसीलपुरा की, वो सिंचाई के लिए गवर्नमेंट ने नहर बनाई हुई है, लेकिन ये समझो कि वो 25% पानी किसानों को जाता है और 75% पानी ये हिंदुस्तान जिंक ले लेता है। मेरी जो सरकार है वो 25% कभी अगर ऑप्शन उठाएंगे तो हाँ पूरा पानी दे देंगे, और नहीं उठाएंगे तो पानी ये खींच लेते हैं। अब वो हालांकि हिंदुस्तान जिंक ने पानी ले रहा है, इससे अच्छा था मत ले रहा है, लेकिन गांव में भी वो सुविधा भी करता है, बराबर कैंप भी लगाता है, आंगनबाड़ी वालों पे साधन सुविधा उपलब्ध कराते हैं वो लोग, लेकिन वो मौका खाली फायदा उठा रहे हैं, वो पानी 75% पानी वो यूज़ करते और 75% गाँव में जाता है पानी। अभी फतेह सागर के अंदर इसके अंदर सिल्ट बहुत जमा था, इसमें उतनी डिसिल्टिंग हुई नहीं थी, तो हिंदुस्तान जिंक वो वहाँ पर आया और आकर के उसने कहा साहब कि हम डिसिल्टिंग करेंगे इसकी CSR के अंदर, सो गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एंड दे आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। हियर आई अप्रिशिएट देम, दिस इज ए रियल CSR वर्क। वो इंडस्ट्री वाले जो मालिक हैं या जो उनका मैनेजमेंट है वो खुद क्या करता है, उसके आसपास के जो इलाके हैं उनको पानी देता है, पानी के लिए वो पानी पहुँचाते हैं और भी कोई सुविधा करते हैं, आपका जो ये प्लांटेशन करते हैं, तो ये भी काम चल रहा है। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री को हम बाउंड करना चाहिए सरकार को, लेकिन यह है कि इंडस्ट्रीज को साथ लेकर के वी कैन वर्क कर सकते हैं उन चीज़ों को, लेकिन वो हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो कि वो इंडस्ट्रीज कहीं पोल्यूट तो नहीं कर रही हैं, कहीं वो नॉर्म से हट तो नहीं रही हैं, वहाँ पर एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है।